हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड बडीज। सो गाइस, आज हम मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का रिव्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये रही विटारा ब्रेजा जो कि है ZDi प्लस वेरिएंट। इसका कलर है पर्ल वाइट और है सिंगल टोट। इस कार की लेंथ है 3995 mm और हाइट है 1640 mm। इस कार की बैक साइड में हमें एक वाइपर मिलता है और टेल लैंप। इस कार में 16 इंचेस अलॉयज हैं जो कि कंपनी फिटेड हैं विद ब्लैक कलर, जो इस कार को एक बहुत बोल्ड लुक देते हैं। ये इस कार का टैकोमीटर और ये इसका हैंडल जिसमें सुजुकी का लोगो है विद सम फंक्शनल बटन्स। गियर इसका मैनुअल है जिसमें 5 गियर्स हैं, हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स एंड आर्म रेस्ट जो कि आगे फ्लिप भी हो जाता है। इस कार की सीट्स पर फैब्रिक का वर्क हो रखा है और इस कार में ऑटोमेटिक एसी है जो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप कंट्रोल हो जाता है। डैशबोर्ड का कलर ब्लैक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डुअल टोन है ग्रे एंड ब्लैक, जो कि इस कार को बहुत बोल्ड लुक देते हैं। डैशबोर्ड में बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ आप अपना स्टफ रख सकते हैं बहुत आराम से। कप होल्डर में आप एक बोतल तो बहुत आराम से रख ही सकते हैं। और इस कार का डैशबोर्ड एक बहुत ही जेन्युइन लुक देता है। सो गाइस, ये है गॉगल होल्डर जहाँ पर आप अपने गॉगल रख सकते हैं। ये है सन वाइजर जो आपको ड्राइविंग करते वक्त सन रेज से बचाएगा। और ये है दूसरा सन वाइजर जिसमें मिरर अटैच्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें लाइट भी है जो कि स्पेशली इसी के लिए ही है। सो गाइस, ये इस कार की बैक सीट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। गेट पर एक कप होल्डर है जहाँ पर एक बोतल आप बहुत आराम से रख सकते हैं। सीट्स पर फैब्रिक कवर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट और ग्रे। और ये इस कार में पीछे की लाइट है जो कि बहुत हेल्पफुल है और एक अच्छा ऑप्शनल है। लेग रूम स्पेस भी बहुत अच्छा है, 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं इस कार में, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेग रूम स्पेस बहुत अच्छा है। और पीछे से इस कार का इंटीरियर कुछ इस तरीके का दिखता है जो इस कार को एक बहुत फैंसी लुक देता है। इस कार में 328 लीटर्स बूट स्पेस है जिसमें आप काफ़ी सामान स्टोर कर सकते हैं। ZDi प्लस वेरिएंट में आपको सेंसर की मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस कार में पुश स्टार्ट बटन है जो कि एक बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा फीचर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कार का मीटर ऑन हो चुका है और इस कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑन हो चुका है, जो कि एक 9 इंचेस टच स्क्रीन सिस्टम है। इस कार में FM, नेविगेशन और भी कई फीचर्स हैं। इस कार को एप्पल प्ले भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है। आप ड्राइविंग करते हुए कॉल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि एक और भी अच्छा फीचर है। ये इसका रियर कैमरा है जो कि रिवर्स गियर डालते ही आ जाता है स्क्रीन पर, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। इस कार का नाइट विजन कुछ इस तरीके का है। रात को आपको इस कार का इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस कार के टैकोमीटर में आप लाइट चेंज भी कर सकते हैं। इस कार की DRLs इस कार को बहुत ही कूल लुक देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इस कार का इंजन डिस्प्लेसमेंट है 1248 cc, जो कि 89 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और ये एक डीजल इंजन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।